फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक डिलीशियस सा चॉकलेट वनीला मार्बल केक। और उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप ऑयल, एक कप शुगर पाउडर, दो कप मैदा, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 कप मिल्क। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और उसमें मिक्स करेंगे 1 कप शुगर पाउडर। तो अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क और बचा हुआ हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि हमारा मिक्सचर अब थोड़ा सा क्रीमी होने लगा है। तो अब हम इसमें छान कर मैदा ऐड करेंगे। तो अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो अब धीरे धीरे अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। तो देखिए, अब हमने इसमें सारा मिल्क ऐड कर दिया है और देखिए हमारे बैटर ऑलमोस्ट तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी आई है। तो अब हम अपने बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम किसी एक पार्ट में ऐड करेंगे कोकोआ पाउडर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क और इसे अच्छे से ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आज हम अपने केक को बिना किसी अवन या माइक्रोवेव के गैस पर बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने लिया है एक स्टील का डब्बा जिसे मैंने बहुत अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा जिससे वो अच्छे से डस्ट हो जाए और हमारा केक उस पर चिपके ना। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 स्पून चॉकलेट बैटर और इसे टैप कर लेंगे जिससे ये अच्छे से फैल जाए। और उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून वनीला बैटर। देखिए अब हमारा वनीला बैटर अच्छे से फैल चुका है और अब हम इसमें फिर से ऐड करेंगे चॉकलेट बैटर। अब हम यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक इसमें बीच में कोई भी बैटर डालने की स्पेस ना बचे। तो अब हमारा सारा बैटर इस मोल्ड में डल चुका है। अब हम लेंगे एक टूथपिक और बाहर से अंदर तक ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। इसे बीच बीच में टूथपिक को साफ करते रहेंगे जिससे हमारे बैटर में कोई गंदगी ना हो। अब हम इसे थोड़ा टैप कर लेंगे जिससे इसमें सारे बबल्स जो भी हैं वो फूट जाएं। तो अब हमारा ये केक बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने एक पतीले को प्रीहीट कर लिया है और अब हम अपने केक को इसमें 15 से 20 मिनट तक लो हाई फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के बाद हमने अपने केक को बाहर निकाल लिया है और अब हमारा केक बनकर रेडी है। ये बहुत ही डिलीशियस और स्पॉन्जी बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।